दुनिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये पूछना चाहते हैं आपके उपन्यास के बारे में जो है कि रफीक ने राजपथ है वो साहित्य की दुनिया की पड़ताल करता नजर आता है, और इसमें साहित्यकार बनने के लिए मतलब ऐसा है कि एक मठाधीश होने की जरूरत है, क्या आपको लगता है? देखिए, साहित्य की दुनिया भी वैसी है जैसी कि दूसरे अनुशासन हैं, दूसरी दुनियाएं हैं। अगर आप फिल्म में करियर बनाना चाहते हैं, आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं, टीवी एंकरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से महत्वाकांक्षी होते हैं उसी तरह साहित्य में भी हम जो नायक है वो उसी तरह से महत्वाकांक्षी है। और पूरा उपन्यास में पड़ताल ये है कि साहित्य आखिर है क्या, आखिर साहित्य की दुनिया सिर्फ एक माध्यम होती है और अंततः बात तो उस तरफ जाती है कि कला क्या है, साहित्य क्या है। ये नायक की महत्वाकांक्षा के बहाने एक खोज है उसमें। उसी में जो नायिका है वो आखिर में अकेले रहने का निर्णय नहीं ले पाती है, तो ऐसा उसमें क्या है? ऐसा जीवन में भी तो होता है ना, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर कमजोरियां भी होती हैं। हम अकेले कैसे रह सकते, मुझे आप बताइए। प्रकृति ने अगर हमें जोड़े की तरह बनाया है दूसरे प्राणियों को और हमको भी, दो पौधों को आप एक साथ रख दीजिए फिर आप देखिए कि पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, पौधा ज़्यादा पनपता है। तो जब पौधों तक में सहचर्य का सुख है तो फिर एक मनुष्य अकेला कैसे रह सकता और क्यों रहे। आप खुद मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको लगता है कि इन सब इसमें आगे जाने के लिए, इसमें करने के लिए, करियर के लिए दिल्ली तक जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे शहरों या छोटे छोटे कस्बों से भी ये चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि देखिए दिल्ली में और जो बाकी के हिंदुस्तान के साहित्य में फ़र्क है, दिल्ली वालों के पास मंच बहुत सुलभ है। जैसे अभी मैं मुझे इंडिया टुडे ने बुलाया था, तो मेरे लिए ये कठिन था कि मैं अपने काम से छुट्टी लूँ, मैं अपने बच्चों को उनके स्कूल से छुट्टी करूँ, फिर रिजर्वेशन कराऊँ, फिर ट्रेन से बाहर जाऊँ, जबकि दिल्ली के जो लेखक लेखिकाओं हैं उनके लिए वहाँ तो उनको मंच ज़्यादा सुलभ है। लेकिन बनिस्बत उनके मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, हमने जीवन की कठिनाइयाँ ज़्यादा देखी हैं। तो जहाँ संघर्ष ज़्यादा है, जहाँ आग ज़्यादा है, वहाँ कहानी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा अच्छा उभर कर, वहाँ साहित्य ज़्यादा है। आपकी कहानियों में, उपन्यास वगैरह ने जहाँ भी देखा है कि महिलाएं जो है अभी भी सामान्य है, सीधी सादी है, जबकि आज के मॉडर्न लाइफ की महिलाएं हम देखते हैं कि कैसी है। देखिए, वो भी सीधी सादी होती हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मेरी कहानियों में मैं स्त्री को कोशिश ये है कि एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत कर, जैसे मनुष्य होते, जैसे हिंदुस्तान का आम नागरिक होता है। बड़ी से बड़ी सफल से सफल स्त्री ऐसा क्यों करती है कि शादी के डिसीजन में या तो वो इतनी ज़्यादा सफल हो जाती है कि वो एकाकी रह जाती है, तो क्यों रह जाती है, क्यों नहीं, उसने उसे तो कई एक पुरुष मिले होंगे ना, तो वो भी तो अंततः सीधी है ना कि वो रह गई बिन ब्याही हुई। तो इस तरह पर्टिकुलर स्त्री के लिए कुछ नहीं कह सकते आप, बात सिर्फ मनुष्यता की है। और मेरी कहानियों के कैरेक्टर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे पहले वो मनुष्य हैं, और उनको ट्रीटमेंट देते समय कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि ये स्त्री है और इसको स्त्री की तरह ट्रीटमेंट। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर सादा जीवन हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। आम भारतीय नागरिक का जीवन तो सादा जीवन ही है ना, आम भारतीय नागरिक मतलब आप देखिए कि अभी मेरे होटल के बाहर एक वृद्धा, अच्छी भली सी वृद्धा थी और भीख मांग रही थी, तो कुछ उसकी परिस्थितियाँ रही होंगी ना, किन्हीं लोगों ने जो उसकी जिम्मेदारी की देखभाल के लिए तय थे उसका ख्याल नहीं रखा होगा। या जो मैं अभी कह रही थी मंच पर के साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर स्त्री काम करती है, वो खुले में नहा रही है, खुले में शौच कर रही है, उसको लोग कितनी सारी गंदी नज़रों से दे, उसकी बात कीजिए ना। वो आदमी जो साइकिल चला के टिफिन टांग के काम पर जा रहा है उसकी बात कीजिए, तो उससे कैसे सकते हैं। ये तो ये लोग जीवन है, संघर्ष। मेरे जो ज्यादातर कैरेक्टर होते हैं वो मेरा कोई भी पात्र आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में मैं भी कभी इसमें यकीन नहीं करती हूँ कि हम हार जाए, हालांकि हारता भी है मनुष्य, उसमें भी एक करुणा होती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन में मैं संघर्ष में यकीन करती हूँ तो मेरे कैरेक्टर्स भी संघर्ष में यकीन करते हैं। जब भी आप कुछ नया लिखने का शुरू करती है तो एक सत्य के आधार होता है या पूरा कल्पना पे रहता है, जो आपके कैरेक्टर से वो किस पे बेस रहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि रचना आहूत होती है, रचना खुद हमारे पास चल करके आती है और उसके बाद हम सिर्फ माध्यम होते हैं उसको लिख देने का। दो बातें होती हैं, एक तो रचना अपने आप चल कर आती है, दूसरी बात राइटर होना जो है वो दिन दो दिन का काम नहीं होता। राइटर होना ये जीविका नहीं है, ये जीवन, दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ लाइफ। तो आप जब ये तय करते हैं कि आपको राइटर होना है तो
आप पूरा जीवन किताबें पढ़ते हैं, जीवन को देखते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं, इससे आपका एक विजन बनता है, एक जीवन दृष्टि बनती है, और उसके बाद जब रचना आहूत होती है तो उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो रचना को जन्म देता है। बहुत बहुत धन्यवाद वेब दुनिया से बात करने के लिए। थैंक यू। आपसे चाहेंगे कि वेब दुनिया के दर्शकों को आप कोई संदेश दीजिए। हाँ देखिए, मैं खुद भी वेब दुनिया को सर्च करती हूँ कभी कभी, बहुत सारी काम की ऐसी चीज़ें होती हैं जो और कहीं नहीं मिलती तो वेब दुनिया पे मिल जाती हैं, तो मैं तो पहले से आपकी प्रशंसक रही हूँ और आगे भी मैं रहूँगी, यही शुभकामना आपको। धन्यवाद।